हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब बच्चों। सो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे यूजिंग मेन मर्ज, और आज की क्लास में हम करेंगे उसके प्रैक्टिकल को, जिसके अंदर हम करेंगे क्रिएटिंग ए मेल मर्ज डॉक्यूमेंट, सेकंड क्रिएटिंग रिसिपिएंट लिस्ट, थर्ड इंसर्टिंग मर्ज फील्ड्स, फोर्थ व्यूइंग द मर्ज डेटा, और लास्ट में क्या करेंगे, प्रिंटिंग योर लेटर। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं टाइप हियर टू सर्च में, लिखेंगे हम एमएस वर्ड। और देखो, मैं ऑलरेडी मेरे यहाँ बना बनाया आ रहा है आइकन एमएस ऑफिस का, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं जाऊंगा मेलिंग टैब पे, ये देखो ये मेलिंग टैब का ऑप्शन है, देखो मेलिंग्स लिखा हुआ है। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एक ऑप्शन आता नीचे यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज के नीचे देखो एक ड्रॉप डाउन एरो है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया ड्रॉप डाउन एरो पे, तो यहाँ पे आ गया स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। ओके फ्रेंड, देखो राइट साइड में एक विंडो ओपन होकर आ गया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो मैंने लेटर पे क्लिक किया और क्या करा, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब क्या मेरा पहला पॉइंट आ गया क्रिएटिंग ए मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट इस पर मैं क्लिक करते हूँ, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आया, सेलेक्ट रिसिपिएंट, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आया, तीन ऑप्शन दे रखे हैं। अब तीन में से मुझे क्या करना है, थर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे रिसिपिएंट लिस्ट क्रिएट करनी है, मेरे पास ऑलरेडी बनी बनाई नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ब्राउजिंग का ऑप्शन है, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा टाइप ए न्यू लिस्ट पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रिएट। ओके स्टूडेंट, और मैं क्या कह रहा, क्रिएट। जैसे मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, तो एक न्यू एड्रेस लिस्ट ओपन होकर आ जाती है विंडो मेरे सामने, दिखाई दे रही है आपको। अब इसमें देखो ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू एंट्री, फाइंड एंड डिलीट एंट्री, कस्टमाइज कॉलम, ओके एंड कैंसिल। तो मैं करूँगा जो मुझे फील्ड चाहिए उन्हें रखूँगा, बाकी सबको डिलीट कर दूंगा। तो मैं कस्टमाइज कॉलम में जाऊँगा, टाइटल पे गया, ये नहीं चाहिए मुझे, डिलीट। फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, कंपनी नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, और एड्रेस टू को मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे अभी नहीं चाहिए फिलहाल। मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू पर दिखा रहा हूँ, स्टेट को डिलीट मारता हूँ। और ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे मुझे क्या क्या चाहिए था, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन और सिटी। अगर मैं इसे एड्रेस लाइन वन लिखा हुआ है, इसे अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ, सिर्फ एड्रेस लिखना चाहता हूँ, तो क्या करूँ, फिर से कस्टम लाइन माइज में जाऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, एड्रेस लाइन में क्लिक करूँगा और क्या करूँगा, रीनेम का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ करूँगा सीधे एड्रेस और लाइन वन को हटा दूँगा, और यहाँ पर क्या आ गया, एड्रेस। ओके स्टूडेंट, एंड डन। यहाँ पे नाम लिखूंगा, और लास्ट नेम भी रखूंगा, कंपनी नेम डाल दिया मैंने कुछ भी, एड्रेस डाल दिया मैंने, कुछ भी डाल देता हूँ, एड्रेस, सिटी डाल दी। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को एंट्री फिल हो गई, अब नेक्स्ट फील्ड कहाँ से लाऊँ, तो न्यू एंट्री के लिए क्या करूँगा, न्यू एंट्री क्लिक करूँगा, तो न्यू एंट्री के लिए, तो एक बार न्यू एंट्री के लिए ऑप्शन आ गया, फिर से न्यू एंट्री करा, कुछ भी कर दिया,
और क्या किया मैंने, ओके। जैसे ओके करूँगा एक और नया विंडो ओपन होकर आएगी मेरे सामने। पहले सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो सेव करेंगे। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। और कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया मैंने और सेव सेव हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, देखो डेटा सोर्स का नाम आ गया, डेटा नाम से सेव किया था, इसका नाम ये आ गया। और क्या कर दूँगा मैंने, और जितनी भी एंट्री ली थी मैंने ये को ये आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या कर दूँगा, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है राइट योर लेटर, तो मैं अपने लेटर मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, ऊपर एक ऑप्शन आ गया, देखो एड्रेस बुक ब्लॉक ग्रीटिंग लाइन इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज और यहाँ पे क्या है मोर आइटम्स। तो मैंने यहाँ क्या करा, तो पहले राइटिंग लेटर, तो अपना लेटर को मैंने राइट कर लिया पहले, मैंने ऑलरेडी बना बनाया लेटर है, कॉपी किया इसको, यहाँ पे किया पेस्ट। स्टूडेंट मैंने ये कंटेंट ऑलरेडी से पहले से ही टाइप कर पाया था लेटर। अब क्या करूँगा मैं, इससे पहले क्या करूँगा, स्टूडेंट्स का नाम जो फर्स्ट नेम डालूँगा, फर्स्ट नेम क्या है इसका, फर्स्ट नेम पे क्लिक किया, इंसर्ट क्लोज नीचे। अब क्या करना मुझे, इसके आगे लास्ट नेम चाहिए, फिर से मोर आइटम्स पे गया, लास्ट नेम पे क्लिक किया और इंसर्ट, जो लास्ट नेम आ गया क्लोज नीचे किया, फिर से मोर आइटम्स पे। और क्या चाहिए मुझे, कंपनी, कंपनी नेम आ गया एंड क्लोज। नेक्स्ट नेम चाहिए मुझे इसका एड्रेस, तो एड्रेस पे क्लिक करूँगा क्लोज। और नेक्स्ट नेम में चाहिए क्या चाहिए, सिटी और ओके एंड क्लोज। अब डियर, अब किसका नाम है डियर के, उस पर नाम भी लेना मुझे इसमें आपके, तो क्या करूँगा डियर के बाद फर्स्ट नेम ले लूँगा और क्लोज। स्टूडेंट्स अब नीचे देखो, देखो आप नीचे क्या लिखा है, प्रीव्यू योर लेटर्स। तो मेरा ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये रहा, ठीक है, मर्ज डेटा, यहाँ पर मैं क्या है ना डेटा को मर्ज करने वाला हूँ, तो क्या करूँ प्रीव्यू कह रहा है, तो मैं करूँगा प्रीव्यू और लेटर पर क्लिक करूँगा। जैसे ही प्रीव्यू लेटर पर क्लिक करूँगा तो देखो ये नाम ले लिया इसने, पहला नाम मैंने किया था अशोक कुमार ITS और ये आ गया, देखो पूरा ये प्रीव्यू है। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को क्या करूँगा, कंप्लीट कर दूंगा, कंप्लीट द मर्ज। नेक्स्ट स्टेप था पांचवा, कंप्लीट द मर्ज क्लिक किया और लास्ट में क्या कुछ कहा था, प्रिंट करने के लिए, तो मैंने प्रिंट कर दिया इसको। अब यह पूछ रहा है कि आपको कॉल करना है या करंट रिकॉर्ड करना है या फिर रेंज दे देंगे इसको, कहाँ से कहाँ तक आपको रेंज में करना है प्रिंट इसको। तो मैं क्या करूँगा, ऑल पे क्लिक करती है ऑलरेडी है ही मेरा, और क्या करूँगा ओके, और एक पीडीएफ फाइल में सेव कर देता हूँ इसको, और इसको सेव करूँगा मैं डेस्कटॉप पे। नाम पूछ रहा है मेरे से, तो मैं नाम बताऊँ, कुछ भी नाम दे देता हूँ उसको, मर्ज लेटर, ठीक है स्टूडेंट, और डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि टाइप हुआ नहीं हुआ, मर्ज लेटर नाम से पीडीएफ बन गई।
ये देखो स्टूडेंट्स, पहला नाम अशोक, फिर सेकंड क्या पवन सिंह, राम कुमार। तो स्टूडेंट मैंने जितना भी रिकॉर्ड लिया था उन सब के नाम पे अपन एक एक लेटर अलग अलग नाम से टाइप हो गया। तो स्टूडेंट तो इसी तरह हम आपको अपने घर पर प्रैक्टिकल करना है इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।